इस वीडियो में आप पॉलीमॉर्फिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़िएगा। पॉलीमॉर्फिक पैरामीटर पॉलीमॉर्फिज्म का एक बेनिफिट होता है, जिसको हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो प्रोग्राम है स्क्रीन पे, ये प्रोग्राम वही प्रोग्राम है जो पिछले वीडियो में हम लोग इंस्टेंस ऑफ जब पढ़ रहे थे उसमें जो बनाए थे, और इसमें कोई चेंजेज अभी नहीं है। चलिए फिर से एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्लॉई क्लास है, इसके अंदर में एम्प्लॉई नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर लेगा और ये लोकल फील्ड्स को इनिशियलाइज करेगा, और एक मेथड है यहाँ पे जो मैसेज रिटर्न करेगा। एम्प्लॉई क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा है, ये सैलरी क्लास एम्प्लॉई क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें भी एक लोकल वेरिएबल है और एक सैलरी कंस्ट्रक्टर है जो आईडी नेम जो कि एम्प्लॉई क्लास का मेंबर है उसको इनिशियलाइज करेगा सुपर कीवर्ड का यूज़ करते, और टोटल सैलरी को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा जो इसका लोकल है। और इसमें भी एक मेथड है प्रिंट टोटल सैलरी। एक और यहाँ पे आवरली है, ये भी एम्प्लॉई को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें भी एक लोकल वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है जो इस सबको इनिशियलाइज कर रहा है। एक यहाँ पे मेथड भी है प्रिंट टोटल आवर। तो ये एकदम सेम प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉई क्लास है जिसको सैलरी और आवरली क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो चलिए पॉलीमॉर्फिक पैरामीटर को समझने के लिए एक नया क्लास हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, और इस क्लास का नाम दे देते हैं हम बॉस। और इसमें एक्स्ट्रा जिसमें कोडिंग जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और अब चलिए इसमें एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड पे एम्प्लॉई, और ये एक पैरामीटर लेगा एम्प्लॉई टाइप का। एम्प्लॉई क्या है, तो मेरा एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक क्लास है, और इसी क्लास के तरह का ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। और इसमें चलिए कुछ कोड लिखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मेथड बनाए पे एम्प्लॉई, और यहाँ पे एम्प्लॉई ई एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉई क्या है, तो क्लास है। इसके अंदर में देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या जो ई जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये सैलरी का इंस्टेंस है। यदि सैलरी का इंस्टेंस है तो आप सैलरी के अंदर जो मेथड है प्रिंट टोटल सैलरी जो कि यहाँ पे है, इसको आप कॉल कीजिए। कब, जब ई जो है वो सैलरी का इंस्टेंस है तब। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ई को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैलरी में टाइपकास्ट कर रहे हैं। आप ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यों यहाँ पे टाइपकास्टिंग किया जा रहा है। वहीं सेम एक काम यहाँ पे कर रहे हैं, ई को हम चेक कर रहे हैं क्या ये इंस्टेंस है आवरली का। यदि आवरली का है तो आप आवरली के को इसको कास्ट कीजिए आवरली में, और आवरली के अंदर एक मेथड है प्रिंट टोटल आवरली जो कि यहाँ है, इसको आप कॉल कीजिए। और ये कॉल होगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा, या देख सकते हैं आप ये मैसेज प्रिंट हो रहा है दोनों में, सैलरी में भी और आवरली में भी। और यहाँ ई डॉट हम डायरेक्ट क्या किए हैं, प्रिंट एम्प्लॉई कर रहे हैं। प्रिंट एम्प्लॉई क्या है, तो एम्प्लॉई जो कि एक पेरेंट क्लास है उसका मेथड है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको टाइप कास्टिंग जिस तरह यहाँ हम लोग कर रहे हैं वो करने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये भी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एम्प्लॉई जो क्लास है उसको किस तरह हम पैरामीटर एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसको अलग अलग क्लास से हम यहाँ पे इंस्टेंस चेक कर रहे हैं कि क्या ये इस चीज़ का इंस्टेंस है, क्या ये आवरली का है, क्या ये सैलरी का है, और उसी अनुसार से हम लोग उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ एम्प्लॉई क्या हुआ, एम्प्लॉई जो जिसका एक ऑब्जेक्ट है ई, ये क्या हुआ, तो एक तरह का क्या है पॉलीमॉर्फिक पैरामीटर है जिसके अंदर से हम यहाँ पे सैलरी को भी कॉल कर पा रहे हैं, सैलरी के मेथड को भी, आवरली के मेथड को भी कॉल कर पा रहे हैं। और इसी बेनिफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक पैरामीटर्स। तो चलिए अब इसका मेन मेथड हम लोग बनाते हैं। मेन मेथड में आप देख सकते हैं हम सबसे पहले बॉस जो क्लास हम लोग यहाँ बनाए हैं इसका सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी नाम से, और फिर यहाँ पे हम एम्प्लॉई क्लास को हम असाइन कर रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। एम्प्लॉई में आप देख सकते हैं इसमें आईडी और नेम पास करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ आईडी वन और नेम अभी मेनू पास कर रहे हैं। उस तरह सैलरी का एस एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और फिर सैलरी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जिसमें एक आईडी नेम और टोटल सैलरी पास करना पड़ेगा। ये टू जो है वो आईडी है, नेम हो गया दीपक, और ये टोटल सैलरी हो गया। फिर आवरली का भी हम एच एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और फिर इसमें भी जिस तरह से आवरली में यहाँ पे तीन पैरामीटर चाहिए, आईडी नेम और टोटल आवरली, तो ये सब हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। टोटल आवरली जैसे यहाँ पे हम 33 आवर्स कर देते हैं, ये सही रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, बी क्या है, तो ये बॉस का एक ऑब्जेक्ट है, बॉस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है बी, और बी के
पे इम्प्लॉई को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बॉस क्लास के अंदर एक मेथड है पे इम्प्लॉई, इसको हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम एस पास कर रहे हैं। एस क्या है? सैलरी। हम यहाँ पे ई को भी पास कर सकते हैं। जब हम ई पास करके और हम जब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, अभी क्या होगा, ई क्या है तो इम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे योर आई डी इज़ वन एंड नेम इज़ अभिमन्यु यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आकर के देखिए योर आई डी इज़ वन एंड नेम इज़ अभिमन्यु प्रिंट हो रहा है। आप नोटिस यहाँ कर सकते हैं सैलरी का कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रहा है, आवरली का कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? ऑटोमेटिक ये बॉस क्लास में जा करके देख रहा है कि क्या जो ई हम लोग जो यहाँ से पास कर रहे हैं ये ई वो क्या सैलरी का इंस्टेंस है, आवरली का है। यदि सैलरी का नहीं है, आवरली का नहीं है तो निश्चित है ई का तो होगा ही। यदि इसका हो या ना हो, ई तो हमेशा होगा। ई का इस क्यों होगा? क्योंकि इम्प्लॉई जो है वो पेरेंट है, तो इसका मेथड तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ई को पास कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये ई जो है वो इम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट है और इसलिए केवल इम्प्लॉई क्लास एक्सिक्यूट कर रहा है। यदि हम यहाँ पे एस करेंगे, एस करते हैं और फिर जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे सैलरी क्लास एक्सिक्यूट कर रहा है। सैलरी में आकर देखिए टोटल सैलरी इज जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो आ रहा है टोटल सैलरी यहाँ देखिए, और फिर योर आई डी इज़ टू एंड नेम इज़ दीपक, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से आ रहा है, ये इम्प्लॉई क्लास का योर आई डी इज़ दिस, यानी मेरा सैलरी क्लास का ये मैसेज प्रिंट हो रहा है और इम्प्लॉई क्लास का ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। ये इम्प्लॉई क्लास तो हमेशा एक्सिक्यूट करेगा क्योंकि ये पेरेंट है। उसी तरह यदि हम जा करके यहाँ पे एच को, एस को हम एच बनाएंगे, एच क्या है, आवरली का है, तो क्या रन होगा, तो इम्प्लॉई का ये वाला रन करेगा, एक्सिक्यूट प्रिंट होगा और फिर ये प्रिंट होगा टोटल सैलरी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, आवरली को कॉल कर रहे हैं तो आवरली यहाँ पे रन करेगा। रन करते हैं इसको और आप देख सकते हैं टोटल सैलरी 33.0, यानी यहाँ पे एच हम लोग आवरली को कॉल किए हैं, देखिए टोटल सैलरी यहाँ पे सैलरी आ रहा है और फिर ये इम्प्लॉई क्लास का जो मेथड है जिसका नाम है प्रिंट इम्प्लॉई ये एक्सिक्यूट कर रहा है। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कैसे हम पॉलीमॉर्फिक पैरामीटर का यूज़ करके हम और पॉलीमॉर्फिज्म का एडवांटेज अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप ये वीडियो समझ गए होंगे। थैंक यू।